बच्चा लोग, सोम सर फिजिक्स आराध्य क्लासेस। हाँ, आज आप लोगों के लिए 11th फिजिक्स चैप्टर 8 ग्रेविटेशन, हाँ उसका एक्सरसाइज का 8.13 है। अपना वही गीसा पीटा डायलॉग, ग्रेविटेशन चैप्टर के मजे लेने हैं ना, एंजॉय करना है तो इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, सिचुएशन पूरा धांसू लेवल से सोचने का, मस्त पढ़ते जाने का और एक एक लाइन को अंदर इमेज करते जाओ, इमेज बनाते जाओ उसका, फिर ड्राइंग करो, फिर देखो ड्राइंग में से फॉर्मूला निकल के आएगा तो आपको फॉर्मूले रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। चल पढ़ते एक सिचुएशन क्या है, हाउ विल यू वे द सन, सन का वजन कैसे करोगे। एक काम कर, सन को उठा के वो वेट स्केल में रख दे, बोल दे सर इतने किलो का है, पॉसिबल नहीं है ना, नो प्रॉब्लम, फिजिक्स में सब आइडिया है। नोटबुक में कैलकुलेशन से आप बता दोगे कि सन कितने किलो का है, देखो दैट इज एस्टिमेट इट्स मास, मतलब उसका मास बता देंगे इतने किलो का है, ठीक है। द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज दिस, अच्छा ये हिंट है, सन के अराउंड अर्थ जो घूम रही है उसका एवरेज ऑर्बिटल रेडियस इतना है, तो यहाँ से कुछ फॉर्मूला निकलेगा। अरे पता नहीं, पहले ड्राइंग तो कर यार, चल ड्राइंग करते हैं। ये रहा सन, समझो ये रहा आपका सन, सन के अराउंड अर्थ ऐसे एलिप्टिकल पाथ पे घूमती है। रुको पूरा डार्क भाई कैमरा में ये दिख रहा है ना, एकदम डार्क, इंक खाली हो गया लगता है पेन का, डालते रुको ये वाला सम करके फिर चलो। अर्थ मान लो आपका इधर है, तब ये डिस्टेंस ज़्यादा है भैया, अर्थ मान लो इधर है पेरिहेलियन पॉइंट पे तो डिस्टेंस कम है, तो कौन सा डिस्टेंस लो, तो इन्होंने बोला ना एवरेज डिस्टेंस, हाँ तो ये कम ज़्यादा के बारे में मत सोचो, एवरेज कोई भी एक डिस्टेंस ले लो आप। ये रहा देखो डिस्टेंस क्या है, 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, किलोमीटर है ना तो मल्टीप्लाई बाय 1000 इट विल बिकम मीटर, 1.5 × 10⁻¹ मीटर ये डिस्टेंस है एवरेज, मतलब वो कन्फ्यूजन नहीं ना कि सर इधर ज़्यादा इधर कम है कौन सा वाला लूँ, ये ले ले एवरेज डिस्टेंस, ओके। चलो अब सन का वेट करना है ना, फॉर्मूला क्या निकलेगा यहाँ पे, मैं थोड़ा इंक डाल देता हूँ एक मिनट रुको, चलो भाई इसको पोज करो वीडियो वरना लंबा हो जाएगा। हो गया इंक भर लिया भाई, अब फॉर्मूला क्या सेट हो रहा है यहाँ पे, देख भाई फॉर्मूला है ना चित्र में दिख रहा है क्या, ये अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है तो ऐसे कैसे घूम रहा है, क्या बीच में दूरी बांधा हुआ है, उस दूरी की वजह से ये टिका हुआ है, क्योंकि देख यहाँ पे कुछ भी बीच में कनेक्शन नहीं होगा ना, तो मुझे नहीं लगता है और आपको भी नहीं लगता होगा कि अर्थ यहाँ पे टिके रहना चाहिए, अर्थ यहाँ से छू उड़ जाना चाहिए, क्योंकि जब चीज़ें गोल घूमती है तो अपोजिट टू द सेंटर, सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में जूम चीज़ें उड़ जानी चाहिए। अपनों बैठते ना मेरी को राउंड में, हाँ तो नहीं बैठते जब फास्ट चलता है तो हमको ऐसा फील आता है कभी हम गिरेंगे तो हम टाइट पकड़ लेते हैं, तो जो हमको वो जो फील आता है ना कि हम उड़ जाएंगे गिर जाएंगे, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो आपको दूर ले जाना चाहता है, लेकिन आप उड़ते नहीं हो गिरते नहीं हो, क्यों, क्योंकि वो पाइप लगा होता है ना, वो पाइप आपको पकड़ के रखता है, तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी हो रहा है। यस, ये अर्थ ऐसे ही घूम नहीं सकता, इसको सीधा यहाँ से उड़ा के ले जाएगा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ लेकिन फिर भी टिका हुआ है, मतलब इधर से कोई और खींच रहा है उसको, कौन खींच रहा है, ये सन, सन का ग्रेविटेशन फोर्स इसको खींच रहा है ना, हाँ। और ये मेरे हिसाब से दोनों इक्वल होंगे तभी अर्थ यहाँ पे टिका हुआ है, मान ले ये ज़्यादा हुआ तो अर्थ जूम गया गया गया, मान ले ये फोर्स ज़्यादा है तो अर्थ पूरा घुस जाएगा सन में जूम, लेकिन फिर भी अर्थ टिका हुआ है इसका मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल है। तो चलो यहीं से स्टार्ट करेंगे, मैंने बोला था एक परफेक्ट ड्राइंग लोगे तो फॉर्मूला उसी के अंदर दिखेगा, दिखाना आपको, मानते हो ना तो कमेंट में लिख डालना, अभी नहीं अभी तू सम पूरा कर, चल देख सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, जी m1 m2/r2। अब दो मास है, ये m1 और ये m2, मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ, और ये mv2 क्या होता है, जो घूम रहा है ना ये उसका मास होता है, जो घूमता ऑब्जेक्ट होता है ना उसका मास होता है, कौन घूम रहा है यहाँ पे, हुज रोटेटिंग, अर्थ, तो ये मास ऑफ अर्थ लेना है यहाँ पे, हाँ ये गलती नहीं कर रहे हैं। चलो me कैंसिल, rr कैंसिल, v2 इज इक्वल्स टू gms/r। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ सकता है क्या, ऐसे तो आप वी को रिप्लेस कर सकते हो 2πr/t से, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो अर्थ का सन के अराउंड जो रोटेटिंग स्पीड है वो आप याद रख लो,
30 किलोमीटर पर सेकंड, हाँ याद रखना पड़ेगा, ऑर्बिटल स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर सेकंड। अब किलोमीटर चलता नहीं, कैमरा मैन यहाँ पे कवर हो रहा है ना, हाँ किलोमीटर नहीं चलता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो मीटर पर, हाँ ये स्पीड को यहाँ पे रख दो आप 30 × 10³, याद रखना पड़ेगा वैल्यू, अर्थ सन के मास डिस्टेंस ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए हमको। हाँ जी 6.67 × 10⁻¹¹ मास ऑफ सन पता नहीं है साहब, डिस्टेंस ये ले लो 1.5 × 10⁻¹¹, इन सबको सेटल करो तो मास ऑफ सन आपको मिलेगा कैलकुलेटर में 2.02 × 10³⁰ kg। हमको पता ही था रे आंसर तो, है ना, सिर्फ कैलकुलेशन से लाने की कोशिश कर रहे थे, फिजिक्स का चमत्कार देख रहे थे कि वाकई में सन को यूँ पकड़ के नहीं नापा जा सकता कि 30 किलो का है 40 किलो का है। हाँ तो क्या टेक्निक है, तो ये टेक्निक है फिजिक्स के पास, नोटबुक में बैठ के आप आंसर ला सकते हो उसका, यस थोड़ा समझना पड़ता है। चलो स्क्रीनशॉट हो गया, अच्छा लगा सम, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, है ना, चल दोस्त बाय।